देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से दरअसल कांग्रेस नेताओं की प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। इस दौरान मुलाकात सीएम आवास में हुई और इस मौके पर ई रिक्शा वालों की हड़ताल पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले 6 महीनों से पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा का संचालन शहर के सभी मुख्य मार्गों में प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। जिन लोगों ने ऋण लिया हुआ है उनकी किश्तों की अदायगी ना होने की वजह से उनकी वसूली के नोटिस आने लगे हैं, जिससे परेशान होकर एक ई रिक्शा वाले ने अपने रिक्शे में आग ही लगा दी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समाधान निकालने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से। पंकज पवार ब्यूरो हेड हमारे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो मुलाकात हुई है इसमें दो जो प्रमुख मांगे थी उनको रखा गया, निष्कर्ष क्या निकला? बिल्कुल आपने सही कहा, जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और लगभग 5 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है, उनसे इस पर निष्कर्ष निकालने की मांग की है। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जुड़ा मसला है, उसके अलावा जो देहरादून में जो सीए के और स्वाधीनता स्वतंत्रता इन तमाम चीजों को लेकर जो बैठे मुस्लिम समुदाय या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको लेकर उन्होंने वार्ता की। इसके अलावा जो देहरादून में ई रिक्शा चलते हैं उनको लेकर उन्होंने वार्ता की है और कुल मिलाकर सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के को लेकर तो सरकार ने वार्ता शुरू की है। और उसमें एक बात ये भी सामने आई है कि लगभग 10 तारीख तक हो सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपना आंदोलन भी वापस ले लें और उन्होंने उनकी वार्ता लगभग हो चुकी है मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ। तो कुल मिलाकर जो जो कांग्रेस अपने मुद्दे लेके गई थी उनमें से ज्यादातर मुद्दे तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसमें किस तरीके से माइलेज ले पाएगी। जी नहीं, ये बताइए पंकज पवार के वाकई मानदेय बढ़ाने जा रही है सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, और साथ में जो ई रिक्शा चालकों की बात थी 6 महीनों से मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित कर रखा है ई रिक्शों को, इसको लेकर क्या अब कोई हरी झंडी दिखाना चाहती है सरकार? वो हो चुका है, लगभग 34 रूट जो है वो ई रिक्शा चालकों के जो है वो सरकार ने लगभग तय कर दिए हैं। हालांकि मुख्य मार्गों में वो अभी भी नहीं चल पाएंगे, उनके लिए अलग से रूट बनाया गया और सरकार का कहना है कि जो ये ई रिक्शा है वो मुख्य मार्गों के लिए बने ही नहीं है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जुड़ा हुआ मसला है उसमें भी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम एक समिति बनाने जा रहे हैं मानदेय को बढ़ाने को लेकर, तो उसको उसके लिए सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है। अच्छा। लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी तक जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बर्खास्त किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, उनको वापिस ले और उसके बाद वो अपना जो धरना है वो समाप्त करेंगे। हालांकि जो आमरण अनशन चल रहा था उसको आज समाप्त कर दिया गया है, लेकिन धरना जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।